अच्छा, हम लोग ने जो भी पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद में सारे फॉर्मूलाज लिख देंगे एंड वी आर सपोज टू डू सम सम्स। तो हम लोग ने जो भी पढ़ा है अभी हम उसको सबको अप्लाई करना चालू करेंगे। कुछ लास्ट की एक आधी चीजें हैं जो तुमको और जाननी है, वरना मोर ऑर लेस यू नो एवरीथिंग। एंड अभी सिर्फ फॉर्म आफ्टर राइटिंग डाउन द फॉर्मूलाज एंड स्टफ लाइक दैट यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट इन योर सम्स। मैं कुछ इन बाइफोकेशन मना लेते हम लोग। बस तो गाइस तुम लोग फॉर्मूला लिखते वक्त अनम्यूट होके हेल्प करना, फिर बाद में तो तुमको कैलकुलेशंस करने हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है मोल्स का फॉर्मूला। वी आर गोइंग टू रिवाइज सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला। तो टेल मी द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मोल्स विच वॉज बेस्ड ऑन वेट। वेट के टर्म्स में जो था वेट अपॉन मोलर मास। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखना है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन। ये वेट गिवन किस में आना चाहिए? ग्राम्स में। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वेट गिवन ऑलवेज हैव टू बी इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास। मोलार मास का क्या यूनिट आएगा? एम नहीं, यूनिट। अरे यू यू ग्राम पर मोल। यू नहीं बोल सकते, ग्राम पर मोल बोलना है। तो इसका यूनिट है ग्राम और इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। तभी ग्राम और ग्राम गेट कैंसल्ड एंड मोल ऊपर आ जाएगा और इसका यूनिट मोल हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स इज अमाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ऑलवेज प्रेफर राइटिंग पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। हम लोग लिखेंगे पूरा वैल्यू 6.022 into 10^23। जब हम लोग एमसीक्यू कर रहे होंगे तब हम इसे 6 ले लेंगे। एमसीक्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हम एमसीक्यू कर रहे रहेंगे तब हम इसे 6 ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन बिकम सिंपलर। क्या मैंने तुमको थर्ड फॉर्मूला दिया था मोल्स का अभी तक? वॉल्यूम वाला, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला ना? यस यस। वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस और लिक्विड अपॉन 22.4 अपॉन 20 के बाद में अगर इसको हम वापस से डिराइव भी कर देंगे, डोंट वरी। अगर तुमको याद नहीं है तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में होना चाहिए एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इट इज गिवन एसटीपी या फिर एनटीपी। एसटीपी या एनटीपी अगर मेंशन किया है तो ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए नहीं। और अगर मेरे को इसमें चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, तो मिलीलीटर में ये सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस। इन एमएल में अगर मेरे को चाहिए तो लीटर से एमएल में बढ़ा, मतलब 1000 मल्टीप्लाई किया ऊपर तो नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला विल बिकम 22400। Is this clear? Yes, sir. Okay. Why not let us start with gas laws? Gas laws, pehla formula, pehla gas law.
बॉयज लॉ काफी बार ही कर चुके हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू इट? टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यू विल हैव पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। यूनिट यूनिट का मगजमारी करने की जरूरत है? बोलो क्या यूनिट कन्वर्जन वगैरह करने की जरूरत है यहाँ पे? नहीं सर, नो बस सर। इतना बस इतना मेक श्योर करना है कि अगर ऊपर वाला प्रेशर बार में तो नीचे वाला भी बार में हो, मतलब सेम सेम यूनिट होना चाहिए, दैट इज इट। तो क्योंकि कैंसल आउट होना चाहिए, दैट इज इट। और कुछ ज्यादा मगजमारी करने की सर जरूरत नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ। तुमको समझ में आ गया रहेगा चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी कन्वर्टेड टू केल्विन। परफेक्ट। यहाँ पे टेम्परेचर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। सिर्फ टेम्परेचर कन्वर्जन याद रखना है कि वो केल्विन में कन्वर्ट होना चाहिए, बाकी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे को मन कर रहा है कॉन्स्टेंट को के लिख दू, जगह बच जाएगी थोड़ी। थर्ड है गे लुजैक। गे लुजैक लॉ में क्या होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ ऑब्वियसली, वेरी नाइस। तो पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, वेर यहाँ पे वॉल्यूम एंड मोल्स कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला द फोर्थ वन, अवोगैड्रोस के ऊपर बेस्ड है। पन्ने पलटे जा रहे हैं। अवोगैड्रोस में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों भी। देखो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और यहाँ पे मेरा प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये आई कैन राइट इट एज वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू एन वन बाय एन टू, और आई कैन ऑल्सो राइट वी वन बाय वी टू is equal to n1 can be written as w1 upon w2 into m2 by w m2 by m1। बराबर कि नहीं? ये मैंने सीधा लास्ट पॉइंट। यस सर, ये भी बराबर है ना? किसी को इसमें डाउट है? n1 can be written as w1 by m1, w1 by m1 and w2 by m2, it will be w1 by w2 or m2 by m1। बराबर? यस सर। व्हाट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन? पी वन बी वन बाय एनआरटी। आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग बट पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। और ये डेंसिटी के टर्म्स में मॉडिफाइड क्या था? PM is equal to DRT। यही दो ऐसे इक्वेशंस हैं जो सबसे झंझट वाले हैं, क्योंकि इन्हीं में यूनिट्स वोनिट्स का बहुत ध्यान रखना है और आपस में कन्वर्जन वगैरह लगेगा, वरना बाकी सब तो चिल है। तो ये है मॉडिफाइड वर्जन। तो मॉडिफाइड वर्जन में यू हैव प्रेशर इनटू M इज इक्वल टू DRT। लिखना बेटर होता है कि m इज योर मोलार मास, m इज योर मोलार मास एंड d इज डेंसिटी, d इज योर डेंसिटी। ओह
मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया एनीवे फोटो खींचने से मतलब एक मिनट है जस्ट अ मिनट अभी तो एंटर किए नाउ ऑल गुड हम दूसरा पेज पे पढ़ते हैं। अच्छा ये हम बेस लेके चलते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। अभी तक कितने हुए अपने 6, सबसे झंझट वाले 5 और 6 है। अब हम लोग अलग अलग करेंगे, हम बेस लेके चलेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पहले वाले को बेस लेके चलते हैं। PV is equal to NRT. तो सेवन फॉर्मूला कंबाइंड गैस लॉ, मतलब मोल्स को छोड़ के सब चेंज हो रहा है गाइस, मोल्स से मोल्स को छोड़ के सब चेंज हो रहा है। क्या क्वेश्चन? PV is equal to RT. नहीं नहीं दो है, अरे दो कितने लेने का? देखो P1V1 इक्वल टू NRT1 एंड P2V2 इज इक्वल टू NRT2। हमेशा ऐसा लिखो और डिवाइड कर दो, तो यू विल हैव P1V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 equal to T1 by T2. So this is one that you can write. Or you can also swap the position. P1V1 upon T1 is equal to P2V2 upon T2. Cool. So you can have P1V1 by T1. ये फॉर्मूला कब यूज करोगे बच्चा लोग? जब तुम लोगों को सम में दो प्रेशर दो वॉल्यूम दो टेम्परेचर होगा, ऑब्वियस एक ढूंढना होगा, बट दो दो एंटिटी होंगे। जब एक सिंगल सिंगल एंटिटी होगा, एक ही प्रेशर है एक ही वॉल्यूम है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला। ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला कब यूज करने का? जब एक ही एंटिटीज रहेगा, जब एक से ज्यादा दिखेगा, अरे दो क्वेश्चन में दो वॉल्यूम है, और तो फिर ये कट होने वाले जो फॉर्मूला है ना रेशियो वाले, वो यूज होंगे। बराबर की नहीं? और अगर सब चेंज हो रहा है तो, इफ एवरी डैम थिंग इज चेंजिंग, ये भी चेंज हो रहा है, तो आर नहीं चेंज हो सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। सर P1V1 upon T2 इज इक्वल टू N1T1 upon N2T2। बराबर? यस सर। या फिर आई कैन राइट P1V1 by N1T1 इक्वल टू P2V2 by N2T2, राइट? एनीबडी हैज एनी डाउट यहाँ पे? नो सर। नो सर। देन यू हैव नाइंथ। अब बेस रखता हूं मैं पीवी इन पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, तो मोलार मासेस सेम, बाकी सब चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा? P upon DT.
अरे दो है, दो है हाँ, वो है बी वन अपॉन पी टू, बी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू डी वन टी वन अपॉन डी टू टी टू, डी टू टी टू बराबर टेंपरेचर। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोला मैंने, एम इज कॉन्स्टेंट, अभी मैं बोल रहा हूँ पी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ओनली डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर चेंजिंग, ओनली डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, टी टू अपॉन टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन आएगा, है कि नहीं? क्योंकि इवन प्रेशर रिमेन सेम, मतलब पी एम इज इक्वल टू डी वन आर टी वन एंड पी एम इज इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट ले लिया ना मैंने, डी टू आर टी टू, तो देयरफॉर यू विल हैव डी वन बाई डी टू इंटू टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू, कैंसिल होके वन हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में ये आ जाएगा, बराबर। अभी 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 यूनिट्स ऑफ आर, वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ आर एंड देन वी विल गो फॉर डूइंग सम्स, कितने यूनिट्स पढ़ा है मैंने तुमको आर के, ये पार्ट बचा है, यस हाँ सर ये पार्ट बचा, हम चार यूनिट्स देखने वाले आर के, और ये यूनिट्स ऑफ आर बहुत झंझट वाला पॉइंट है, लेकिन ये सिर्फ फिफ्थ और सिक्स के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यही दो फॉर्मूला में आ रहा था, देखो और कोई फॉर्मूला में नहीं आता आर, बाकी हर जगह तो कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ वही दो फॉर्मूला के लिए हम आर यूज करेंगे, बराबर। तो पहला वाला, पहला सिस्टम है तुम्हारा जब एसआई यूनिट तुम यूज करोगे, बहुत ध्यान से करना होता है इसको, जब तुम एसआई यूनिट यूज करोगे, आर के चार वैल्यूज है, 8.314 एक आर का वैल्यू है, दूसरा आर का वैल्यू है 0.0821, तीसरा आर का वैल्यू है 0.083 और चौथा आर का वैल्यू है 2, ये चारों आर के वैल्यू सेम ही है, सिर्फ अलग अलग यूनिट्स में यूज किए जाते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन करके आया है वो कॉन्स्टेंट। तो एसआई यूनिट हम देखेंगे, एसआई यूनिट मतलब प्रेशर एज, वॉल्यूम एज, तो वर्क विल बी, मैंने तुमको बताया ना ये चीज, वर्क इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यस सर आई टॉट यू दिस राइट, यस, बाकी लोग तो कुछ बोलो। हाँ सर, एक बार रिवाइज कर लेते क्विकली, वर्क का फॉर्मूला बोलो फिजिक्स वाले वर्क का, Fs फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लेंथ की तरह लिखूं चलेगा तेरे को मिनव? हाँ चलेगा चलेगा, इधर से इधर इधर बराबर ना। अच्छा अभी प्रेशर का फॉर्मूला बताओ मेरे को, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो देयरफॉर फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं? तुम देख रहे हो रेगुलरली मैं जैसे लिखता हूँ उसे काफी नीट लिख रहा हूँ, मतलब ये तुम्हारे पास में रहने वाला है ये सब, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, this is going to be there with you, okay, alaki I will give you the notes also, but still, what is area into length? volume. So yahan pe chemistry mein ya gases mein chemical work gases ka do type ka hota hai, ab main diagram nahi banaunga, sirf aise directly likh deta hu, pehla chemical work hai expansion, एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का कि कम होएगा? बढ़ेगा। और दूसरा वाला क्या रहेगा? कंप्रेशन बराबर। तो यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज। तो तुम्हारा यहाँ पे केमिकल वर्क ये दो टाइप का रहता है, ठीक है? अभी इसके बेसिस पे वर्क के अलग अलग यूनिट आ सकते हैं, ठीक है? देखो यूनिट ऑफ वर्क देखते हैं हम लोग,
क्या क्या आ सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क, वो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, अलग से लिखने की जरूरत नहीं हमको। देखो अगर मैं प्रेशर को लिखूं एज पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या आएगा बच्चा लोग? लीटर। नहीं नहीं, अभी वॉल्यूम का एसआई यूनिट हाउ कम लीटर? मिलीलीटर। मिलीलीटर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सॉरी वो ये आता है ना, छोड़ दो, मीटर क्यूब। बेटा लुक दिया मैंने तेरे को, अभी तू समझ जाना। वर्क एस, वर्क का एसआई क्या रहेगा? न्यूटन। अच्छा देख, प्रेशर अगर एसआई में है तो वॉल्यूम भी एसआई में है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो मेरा भाई वर्क होता है ना, तो वो भी एसआई में ही रहेगा, तो वो किस में रहेगा? न्यूटन मीटर। जूल। न्यूटन मीटर इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, बराबर कि नहीं? तो प्रेशर, तो प्रेशर इज इन पास्कल, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, तो वर्क इज ऑल्सो इन एसआई, दैट इज जूल। तो जब ये सब फंडा रहेगा, देखो आर इज नथिंग बट प्रेशर वॉल्यूम अपॉन एन एंड टी, राइट? Yes, sir. And pressure into volume is work upon N into T. So N is always going to remain same, T is always going to remain same, only work का unit change होता है। तो यहाँ पे R का जो तुम्हारा value आता है, that is 8.314, ठीक है, constant है इसका ये value है, और यहाँ पे जो तुम unit use करोगे वो होगा वर्क का यूनिट, विच विल बी जूल। टेम्परेचर का यूनिट किस में होगा हमेशा? केल्विन। तो वो ऊपर जाएगा, तो ये केल्विन इनवर्स है, और ये एन का यूनिट मोल होता है हमेशा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये मोल इनवर्स है। ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ डब्ल्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और उस वजह से ये आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये पहला यूनिट है आर का, पहला वैल्यू है आर का, जो तुम्हें याद रखना है। और कब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जब प्रेशर मेरा एसआई में हो, वॉल्यूम भी मेरा एसआई में हो, तभी मैं ये वैल्यू आर का यूज कर सकता हूं, दैट इज अ नेसेसिटी। ओके सर। अभी द सेकेंड जो मोस्ट कॉमनली वी विल यूज, मैंने इसको इंडियन यूनिट का नाम दिया था, बट एक्चुअली इट्स नॉट इंडियन यूनिट, इट इज लीटर इनटू एटमॉस्फेयर टाइप। तो अब तुम इसी से समझ में आ गया रहेगा तुमको कि प्रेशर और वॉल्यूम किस में होगा। इंडिया में बहुत फेमस है, इंडिया में प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, इंडिया में हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम को हम लीटर्स में मेजर करते हैं, विच इज ऑल्सो नथिंग बट डेसीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे प्रेशर के मतलब एक ही यूनिट के दो नाम थे, यहाँ पे वॉल्यूम के दो ही, एक ही यूनिट के दो नाम है। तो जब मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और मेरा वॉल्यूम लीटर में हो, तो मेरा वर्क यू जो आता है, दैट इज लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। ओके सर। तो मेरा जो वर्क आएगा, जैसे तुमको तुमको वर्क और एनर्जी के कौन से यूनिट तुम्हें मालूम है, तुम्हें दो तीन तो पता रहेंगे, जूल अर्थ पता रहेगा, और क्या पता है, एक और पता है तुमको 100%। सोचो थोड़ा, एनर्जी, एनर्जी मैंने इतनी एनर्जी बर्न की, मैंने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, कैलोरी। कैलोरी इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। आई एम गिविंग यू अनदर यूनिट ऑफ वर्क विच इज लीटर एटमोसफियर। और हॉर्स पावर। वो पावर होता है बेटा, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज डिफरेंट। सॉरी सॉरी। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर है। तो जब ऐसा आएगा, तो जो आर यूज करने वाले हो तुम लोग, वो ये है 0.0821। बच्चा लोग देखो, ये और ये अलग नहीं है, आर का वैल्यू वही है, जस्ट बिकॉज यूनिट चेंज हुआ इसलिए वो चेंज हो गया वैल्यू। तो ये जूल के बदले व्हाट आर वी गोइंग टू राइट?
लीटर एटमोसफियर एंड द रेस्ट रिमेन सेम. वर्क इज इन लीटर एटमोसफियर, इट्स केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स. यू हैव फॉलोड दिस? यस सर. सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही दोनों यूनिट्स हैं. अच्छा जस्ट टेल मी इफ आई एम यूजिंग प्रेशर एज पास्कल, मेरे को अगर प्रेशर पास्कल में दिया है और मेरे को वॉल्यूम लीटर्स में दिया है, माई प्रेशर इज इन पास्कल एंड माई वॉल्यूम इज इन लीटर्स, तो मैं कौन सा आर का, तो मैं कौन सा आर का वैल्यू यूज कर सकता हूँ? 8.314 की 0.081 या कोई भी नहीं? ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में. तो दैट इज द पॉइंट, यू कैनॉट यूज आइदर 8.314 और 0.0821. तुमको एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइदर तुम वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो और 8.314 यूज करो, या तो प्रेशर को पास्कल से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके 0.021 पे यू कन्वर्ट करो. दिस इज इंपॉर्टेंट. यू कैनॉट यूज एनी यूनिट एट एनी टाइम यहाँ पे आर का, तुमको देख दाख के बराबर यूज करना है. ये लीटर मिलीलीटर भी नहीं चलेगा, लीटर मतलब लीटर ही होता है. You have understood this? Yes, sir. Yes. पक्का? सर वापस एक बार बोलो. बेटा मैंने क्या बोला? बेटा लास्ट वाला पॉइंट ना, अभी अभी जो मैंने बोला ना. हाँ सर. देख बेटा मैंने तेरे को बोला कि तेरे को एक सम दिया है, उसमें बोला है तेरे को आई टेल यू सम ओनली, मैं सम के बेसिस पे तेरे को समझाता है. देख मैं रब कर दूंगा अलग की सम अभी इधर. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि द प्रेशर इज 2 एटमोसफियर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 5 मीटर क्यूब. हाँ सर. n is 1 mole and calculate the temperature. Temperature you need to calculate. Now you have to use a formula PV is equal to nRT, क्योंकि दो प्रेशर तो नहीं है, एक ही प्रेशर है. You will use a formula PV equal to nRT. Now the point is R का क्या value लेने का? R is constant. You know P, you know V, you know N, but what value should shall I take of R? Shall I take 8.314? Shall I take 0.021? The point is you cannot take either. क्योंकि pressure दिया है मेरे को atmosphere में और volume दिया है मेरे को meter cube में. So this is a necessity. Unit convert करके करना पड़ेगा. हाँ, तो दिस इज द नेसेसिटी कि तुम वॉल्यूम को या तो मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स एंड यू 0.0821 वाला यूनिट, या फिर यू कन्वर्ट एटमॉस्फियर को इनटू पास्कल एंड देन यूज 8.314 एज अ यूनिट आर. ओके सर. सर एक बार पास्कल और एटमॉस्फियर का कन्वर्जन बता दो ना. हाँ मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ तुमको. उससे ज्यादा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, हालांकि इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि ये आया, ये 8.314 और 0.081 सेम कैसे. वेट जस्ट लेट मी रैप इट प्रॉपरली. थर्ड वाला भी बताता हूं मैं, फोर्थ वाला तो सिर्फ एक ही लाइन में स्टेट हो जाएगा. अच्छा अगर कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर और पास्कल में एटमॉस्फेयर बड़ा रहता है, तो मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा नीचे से ऊपर. तो कैन एनीबडी टेल मी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना पास्कल? 101.3 किलो पास्कल, तो किलो का भी मैं 10^3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, बराबर. लेट्स टॉक वॉल्यूम.
सर हम लोग ये आर के इसमें हम लोग बार भी यूज करते हैं कि नहीं करते? कर सकते, मैं थर्ड वाला बार ही बताऊंगा, लीटर इनटू बार। तो क्या नैनी बेटी, अभी हम लोग लीटर टू मीटर क्यूब जा रहे हैं, तो किसी को याद याद है 1 liter इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स? 0.001 × 10³ m³। ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, देखो मैंने कैसे पढ़ाया था, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। 1 meter इज इक्वल टू 10 dm इज इक्वल टू 10^2 cm बराबर। 1 meter इज 10 dm एंड 100 cm, तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो इट विल बी 1 का क्यूब इज 1 m³, 10 का क्यूब इज 10^3 राइट, डेसीमीटर क्यूब, एंड दिस इज 10^2 मतलब 10^6 सेंटीमीटर क्यूब राइट। 1 m³ 10^3 dm³ एंड 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब ही लीटर होता है ना, तो 1 m³ इज 1000 × 10^3 liters। इफ 1 m³ इज 1000 liters, 1 liter विल बी हाउ मेनी मीटर क्यूब? 10^-3 बराबर। अंडरस्टूड? एनीबडी हैज एनी डाउट? ये समझा? यस सर। अच्छा अभी देखो, हमको वर्क निकालना ना, हमको वर्क का भी यूनिट चाहिए, हमको लीटर, एटमॉस्फेयर और जूल्स को आपस में कन्वर्ट करना है, मतलब जैसे आई एम शोइंग यू, दिस यू विल लर्न इन 12th आल्सो अगेन, बट हाउएवर इट्स नो बैड टू लर्न इट अगेन। वर्क, वर्क क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यू हैव 1 liter एंड 1 atmosphere, 1 liter इज हाउ मेनी मीटर क्यूब? 10^-3 m³ एंड 1 atmosphere इज 101.3 × 10^3 pascal, है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई करके बचेगा क्या? यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा 1 liter इंटू एटमोस्फियर इक्वल टू, ये कैंसिल होने वाला है 10^-3 एंड 10^3, यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 101.3, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? जूल्स, है ना? If this is in pascal, this is in meter cube, work is in joules. So this is a conversion between liter, atmosphere and joules that you have got. Is this clear? Yes, sir. Acha. Now just see. If 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joules, we want to know how much is 8.314 joules. How much is 8.314 joules? So obviously it is going to be 8.314 by 101.3. Correct? Yes, sir. You know the answer. Answer is going to be 101.3. Ah. वापस पूछना क्या बोला? कैलकुलेटर में देखता हूँ। Can you see the calculator? Yes, sir. ठीक है, तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं। What do we have? 1 liter atmosphere is 101.3 joules. तो R का value 8.314 था, तो 8.314 will be equal to how many liter atmosphere? तो X will come out to be 8.314 upon 101.3, right? वही आया था ना वैल्यू, तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू, 8.314 डिवाइडेड बाय 101.3, 0.08207, मतलब 0.0821। तो दैट इज हाउ, वो सेम ही है, सिर्फ हमने जूल से लीटर एटमॉस्फेयर में किया, तो दैट इज व्हाई इट चेंजेस।
बराबर यस सर विल अगेन कम टू आवर पावर पॉइंट Okay, very well. So we have seen two units. I will just tell you two more. फटाफट और कुछ इतना खास नहीं है इसमें. You can have liter atmosphere. तो उसी तरीके से you can have liter bar also. Liter bar कब use करेंगे हम लोग? जब हमारा pressure instead of atmosphere bar में हो. तो मैं अभी तुमको उसको derive करके नहीं बताऊंगा, direct बता रहा हूं. अगर तुम्हारा pressure इस बार एंड वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में दिया है, लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, देन तुम्हारा वर्क विल कम आउट टू बी इन लीटर इन टू बार एंड द आर दैट यू आर गोइंग टू यूज इज अ प्रॉपर 0.083. सी दिस वाज 0.0821 एंड दिस वाज 0.083. बार और एटमॉस्फेयर में ज्यादा फर्क होता नहीं है. तो साउंड्स में हालांकि तुम यही यूज करने वाले हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी I'll tell you the fourth one तब यूज करेंगे हम लोग जब मेरा वर्क कैलोरी में हो. तो अगर मेरा वर्क कैलोरी में है तो ये एमसीक्यू में आता है सिर्फ, तो आर का वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.98 विच इज 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. क्या तुम लोगों को ये याद रहेगा? सर एक डाउट है. बोल बेटा. सर पास्कल वन उसका होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 101.3 किलो पास्कल और इसका 100 होता है, तो इतना क्यों डिफरेंस है? ये भी कुछ 8 के अराउंड ही होना चाहिए ना. कितना डिफरेंस है बेटा? 0.083 है, वो 0.0821 है. एटमॉस्फेयर एंड बार इज वेरी सिमिलर ना. हाँ वो जूल है. अच्छा. Anybody has any doubt? ठीक है चलो कुछ और एक्स्ट्रा दो तीन बचे हैं फॉर्मूलास, लेकिन पहले अभी हम लोग कुछ सम्स करना चालू करते. वी हैव सम हाफ एन आवर. आई वॉन्ट टू डू सम सम्स क्योंकि वी हैव टुमारो ऑल्सो ना, तो कल कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो. ओके सी दिस, वो वन है, आजा पहले हम गिवन लिखेंगे देन वी विल सॉल्व द सम. सी व्हाट इज गिवन, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज 0.6 डीएम क्यूब, वो 3 नीचे आ गया है, एट द प्रेशर ऑफ 101.325 किलो पास्कल. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज to 142.860 kilopascal at the same temperature. तो क्या तुमको यहाँ पे सिंगल प्रेशर वॉल्यूम दिख रहा है कि डबल दिख रहा है? गिवन लिखते हैं हम लोग. मुझे बताओ ये जो एंटिटी है 0.6 डेसीमीटर क्यूब, ये क्या है? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मोल्स मास क्या है ये? वॉल्यूम. So you are given volume, which is 0.6 decimeter cube. What is this? Pressure का unit है वो. कितना है? 101.325. अगर atmosphere में convert करना तो वो बराबर 1 atmosphere है. But मैं convert करूँगा नहीं, क्योंकि ये भी pascal में ही है ना, तो काहे को convert करने का. तो यू आर गिवन अनदर प्रेशर. तो ये वॉल्यूम वन है, ये प्रेशर वन है, तुमको अलग प्रेशर दिया है 142.860
किलो पास्कल तुमको वी टू निकालना है. कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करने वाले हो लिस्ट में से? पी वन अपॉन पी टू. नंबर बताओ. फर्स्ट बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ यूज करोगे ना? यस. तो चलो तुम लोग मेरे को कैल्सी से आंसर बताओ फटाफट, तब तक मैं लिखता हूँ. मुझे V2 चाहिए, तो V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. So therefore V2 will be equal to यूनिट्स कट होते हुए दिखाओ, ज्यादा अच्छा लगता है. ये किलो पास्कल गया इनटू इधर वॉल्यूम था V1, दैट वाज 0.6 डेसीमीटर. से क्या आया आंसर? कैलसी से ही सॉल्व करना है. आओ 101.325 अपॉन 142.86 into 0.6. What is the answer? 0.4255648. बाप रे, तीन डेसिमल तक लिखते. ये 0.6 है तो दो ही डेसिमल तक लिखते हैं. 0.43 लिख दिया मैंने. चलेगा? 4255 आया ना? हाँ सर चलेगा. Any doubt? सर क्या एग्जाम में भी कैल्सी यूज कर सकते हैं? एग्जाम में कैल्सी नहीं यूज कर सकते, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे वैसे वैसे मैं तुमको और ट्रिक्स बताते जाऊंगा. तो कैलकुलेशन के लिए बोर्ड्स में हम लॉग यूज करते हैं, लेकिन तुमको लॉग अभी आता नहीं है, तुमको सिखाना पड़ेगा लॉग. तो इसके लिए नेक्स्ट वीक में आई विल टीच यू लॉग. तो फिलहाल मैं तुमको सम्स बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में हम लॉग सिखाऊंगा मैं तुमको लॉग से कैसे सम करते हैं. एंड एंट्रेंस में इसको अप्रोक्सीमेशन से करते हैं. ओके सर. 4567. सर आपने कल सम दिया था वो आया. सर उसका आंसर 9 था. 9 है उसका आंसर सर. 9 राइट है. तो तुम लोग बताना चाहोगे? यस सर. मैं ट्राई करूँ सर. इधर सिर्फ मेरे को पहले डेटा लिख लेने दो, मतलब पूरा सम नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ फॉर्मूला बताओ मेरे को. लाफिंग गैस का क्या फॉर्मूला था? N2O. तो इसका मोलार मास क्या? मोलार मास लगेगा ना अपने को 44. इसका मोलार मास आया था 44. किस किस को आंसर आया पहले? एक तो मेरे को बताओ मत आंसर, मेरे को सिर्फ मेनाव ने बताया था आई थिंक, और भी किसी ने मेरे को बताया था. तो तुम लोग चार्ट में बताओ, लेट मी जस्ट सी कि किस किस को आंसर आया है. हाँ सर, मेरे को करेक्ट आंसर बताओ. आई एम लुकिंग. दिखाओ बताओ किसको भेजा मैंने. भेजा सर आदित्य को आया है, मेनाव को आया है, और बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया. वीपिंग गैस का क्या फॉर्मूला था? C6H11O3. मैं वीपिंग गैस लिख रहा हूँ. C6H11O3. इसका मोलार मास क्या था? 179. या अप्रोक्स 4 जितना है कि नहीं? हाँ. 44 इंटू 4 करोगे तो 16. 176. तो अप्रोक्सीमेटली 4 जितना है. ये काम आएगा क्योंकि इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उसका रेट क्या है मूव करने का. तो अभी हम लोगों को ऑब्वियसली पता है कि लाफिंग गैस ज्यादा फास्ट मूव करने वाला है क्योंकि वो छोटा है. तो रेट ऑफ लाफिंग गैस अपॉन रेट ऑफ वीपिंग गैस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ मोलार मास ऑफ वीपिंग गैस अपॉन मोलार मास ऑफ लाफिंग गैस. बराबर? हाँ
अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 2 आता है. तो ये 179 है और ये 44 है, तो डिवाइड करने पे आई कैन जस्ट से इट्स √4. √4 विल बी 2. मतलब लाफिंग गैस इज गोइंग टू मूव विद डबल द स्पीड ऑफ वीपिंग गैस, राइट? यस सर. तो तुम दोनों का आंसर करेक्ट है. मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है? मिनव लाफिंग गैस का बताएगा कहाँ तक वो रुकेगा और आदित्य वीपिंग गैस का बताएगा, ठीक है? साथ में तो ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. सो नंबर दे देते हैं इनको. तो टीचर ने लाफिंग गैस छोड़ा था यहां से, ठीक है, और यहां से एक स्टूडेंट ने टीयर गैस छोड़ा था. तो लाफिंग गैस अगर 2 मूव करेगा तो टीयर गैस कितना मूव करेगा? 1. तो वैसे करते करते 9 तक पहुंचेगा. बराबर 9 होएगा. 9 तक डबल है ना, डबल है ना, इक्विडिस्टेंट है. तो ये 4 मूव करेगा तो ये दूसरे पे आएगा. ये 6 तक, ये 7 तक मूव करेगा. 1 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 7, तो ये 13 तक हुआ. ये 10 पे आएगा. फिर वो 9 आएगा, 7 भी 9 होएगा, तो भी ये भी 9 का कोइंसाइड करेगा. तो ये पॉइंट पे वो मीट कर रहा है. 9th बेंच था जहाँ पे इट विल क्राई एंड लाफ साइमल्टेनियसली. सर ये लाइफ में सोचो कितना अच्छा अजीब लगेगा. दिस वाज सम जीई का डाउट, जीई का क्वेश्चन सर. दिस वाज दैट आई डोंट रिमेम्बर सर. ये इजी वाला था कि टफ वाला? नहीं नहीं, ये इजी वाला था. ये देखो, ये इसमें स्ट्रेस में क्लिक नहीं होता एट टाइम्स. स्ट्रेस में क्लिक नहीं होता है. लोगो जिनको डायग्रामेटिक वे में नहीं पढ़ने की आदत होती ना, उनको डिफिकल्ट जाता है जी, क्योंकि फिर ऐसा सोच के जुगाड़ी करना था उसको सर, है ना, बेंच में. मेरे को, मैंने जब ये क्लासरूम में बच्चों को मैं पूछता था तो दे यूज टू गेट कंफ्यूज एंड दे यूज टू टेल मी सर समवॉट 8 and 9 के बीच में आएगा. ऐसा क्यों मालूम? क्योंकि वो ये नहीं सोचते थे, वो लोग ये सोचते थे कि यहाँ पे कोई बेंच है जहाँ पे टीचर खड़ा था और वहां से चालू किया. लेकिन टीचर 1 से चालू किया ना, तो दे यूज टू कंसिडर फ्रॉम 0. तो वो कंसिडर कर रहे थे 2 तक आया, फिर 4 तक आया, फिर 6 तक आया, फिर 8 तक आया और ये 9 तक आया. तो दे यूज टू मेक दैट मिस्टेक. एनीवे, अभी मैं हेल्प लेता हूं किसी का. तो किमाया, किमाया बेटा प्लीज हेल्प मी विद अ क्वेश्चन. अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 0.2 डीएम क्यूब. तो व्हाट इज दिस गिवन? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स. यस, इट इज V1. V1 इज गिवन एज 0.2 डेसीमीटर क्यूब एट 273 केल्विन. तो व्हाट इज दिस गिवन बेटा? टेम्परेचर. योर टेम्परेचर इज 273 केल्विन. Calculate the volume of the gas if its absolute temperature is doubled at the same pressure. So your temperature has been doubled. इसको ना actually solve करने की भी जरूरत नहीं है. मतलब your temperature has become 273 into 2. So what will happen to your volume? क्या तुम orally मुझे answer बता सकते हो? What is the relation between volume and temperature? Direct के inverse. Direct. एब्सोल्युटली करेंगे, नील्ड इट. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम को डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ठीक है? अभी वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन है? अगर मैं तुमको बोलूं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, बराबर, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इनिशियल वॉल्यूम वॉज 0.2 डीएम क्यूब एंड मैंने प्रेशर को हाफ कर दिया, प्रेशर को डबल कर दिया, मैंने फाइनली प्रेशर को डबल कर दिया, तो मेरा फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा? 0.1 डेसीमीटर. बराबर, क्यों? मैंने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, बराबर? तो अभी इसका आंसर मेरे को सारे चार्ट में दो, इसका आंसर मेरे को सारे चार्ट में दो.
तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरा प्रेशर है 0.1 एटमॉस्फेयर का, एंड तुमने तुम्हारा जो वॉल्यूम था इनिशियली था कुछ, तुमने वॉल्यूम को इनटू 3 कर दिया, तो व्हाट विल हैपन टू योर फाइनल प्रेशर? What will be the value of your final pressure? So question एक बार repeat करना. बेटा you तुम्हारा when pressure was 0.1 atmosphere, then the volume was V. Now the volume has been multiplied by 3, मतलब 3 times volume बढ़ गया है. तो pressure का क्या होएगा? गर्व का answer I guess. वेरी स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं किया, सीधा बता दिया. यस 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 एवरीवन इज राइट. तो प्रेशर ओरली बोलो, प्रेशर इज गोइंग राइट है, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. तो प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 3, तो 0.1/3 आ जाएगा. क्लियर? एनी डाउट हियर? नो सर. तो इसको डबल कर सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है इधर. तो मैं लिख देता हूं V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1. तो V2 इज नथिंग बट 273 × 2 अपॉन 273 × 0.2. तो आंसर विल बी 0.4. यूनिट सेम रहेगा बच्चा लोग, DMQ. नए बच्चे कम दे रहे, पुराने वाले ही दे रहे. ओम, प्रियंका, प्रियंका रावत, प्रियंका डोरा, ध्रुवीन आंसर दो बेटा. जय, निकिता, ओके. सो प्रियंका राठौड़, प्रियंका राठौड़ बेटा, कैन यू हेल्प मी विद द डेटा बेटा? व्हाट ऑल इज गिवन? कैन यू रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द डेटा? वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 0.25. परफेक्ट. और क्या दिया बेटा? टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर? T1. कितना है T1? कितना है T2? कितना है? 300 K and 360 K. And what you need to find out? V2. अच्छा, पहले तो तुमको V2 निकालना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में V2 नहीं पूछा है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? What volume of air will be displaced from the flask? कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब तुमको डेल्टा भी चाहिए. तुमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो तुम्हारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा. कितना वॉल्यूम बढ़ेगा तुम्हें वो चाहिए. तो पहले V2 निकालो. तो यह फॉर्मूला इज डायरेक्ट, V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1. तो मेरे को आंसर बताओ V2 का क्या आएगा. चार्ट में मेरे को V2 का आंसर बताओ. समृद्धि ने ऑलरेडी आंसर भेज दिया है. ध्रुवीन ने आंसर भेज दिया है. तो दिस इज 360, दिस इज 300, एंड V1 इज 0.25, विच आई कैन राइट इट एज 1/4. तो V2 विल बी नथिंग बट 90 हो गया ना, 90/300. So V2 will become 0.30 decimeter cube. Barabar? Yes, sir. Yes, sir. So therefore, yes. The displacement will be V2 − V1, that is 0.30 − 0.25, that is 0.0 decimeter cube. Very well understood.
सिली मिस्टेक किया है कि किसी किसी ने. पटेल आदित्य पटेल बेटा 0.6 कैसे आया, क्या गलती किया था? कैलकुलेशन मिस्टेक. गाई गाई नहीं करना है, सब में आराम से मार्क्स मिलता है. अभी नेक्स्ट वाले का सब आंसर देंगे मेरे को और करेक्ट देंगे आंसर. तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 0.5 dm³ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द प्रेशर ऑफ 101.325 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस. तो मेरा प्रेशर दिया है 101.325 में किलो पास्कल, मेरा वॉल्यूम दिया है 0.5 dm³ विच इज लीटर्स, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और मेरे को मोल्स निकालना है. तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? PV = NRT. तो इधर यूनिट्स मैटर करेगा. तो यहाँ पे देखो प्रेशर मेरा मेरा पास्कल में है और वॉल्यूम मेरा लीटर में है. तो मैं पीछे जाता हूं और तुमको यूनिट दिखाता हूं. तो प्रेशर मेरा था पास्कल में और वॉल्यूम था मेरा लीटर में. तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कौन सा आर यूज करोगे? कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर. तो सी क्या कन्वर्ट करोगे? प्रेशर है 101.325 उसको इनटू 10^3 करेंगे और लीटर्स को 10^-3. नहीं बेटा, आउट ऑफ वन यूनिट टू कन्वर्ट, या तो तू वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर तो दोनों बराबर हो जाएगा, या तो तू प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर. तो किसको कन्वर्ट करना आसान रहेगा? जरूरी नहीं है ना, किसी भी एक में होना चाहिए ना. देखना बेटा, या तो तेरा प्रेशर, अगर तेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और तेरा वॉल्यूम लीटर में है तो तू ये आर यूज कर सकता है. बराबर तो तू बोल रहा सर कि किलो पास्कल में ना, तो उसको पास्कल. हाँ तो बराबर ही है ना. ये देखो मैं, हमने कन्वर्जन भी दिखाया ना. कहाँ दिखाया था मैंने कन्वर्जन? ये देखना, वन एटमोस्फियर इज 101.3 इंटू 10^3 पास्कल, मतलब 101.3 किलो पास्कल ना बेटा. डायरेक्ट वन एटमोस्फियर ही दिया है ना. बराबर, ये डायरेक्ट वन एटमोस्फियर ही दिया है. मतलब मैं तुमको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम को कन्वर्ट करने से ज्यादा आसान प्रेशर को कन्वर्ट करना होगा इधर, क्योंकि डायरेक्ट वन एटमोस्फियर दिया. दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू. समझा? हाँ सर. तो अभी आर का क्या वैल्यू लगेगा? 0.0821. तो आर अब ये यूज करेंगे. अगर हम ये कन्वर्ट करते, वॉल्यूम कन्वर्ट करते तो 8.314 होता. तो ये आ जाएगा लीटर इनटू एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स. अच्छा आंसर बताओ मोल्स का. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. मैं यूनिट्स के साथ लिख रहा हूं. ये वन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स. Sir, 0.02. Perfect. And this is 300 Kelvin. यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ यूनिट लिखने का. एटमोस्फियर लीटर n यहाँ पे आ जाता था 273 केल्विन. 300 केल्विन, सॉरी. तो देखो यूनिट्स कैंसिल कर रहे हैं हम. केल्विन केल्विन इनवर्स कैंसिल,
लीटर और लीटर ऑपोजिट साइड में कैंसिल, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर ऑपोजिट साइड में कैंसिल. तो दिस साइड यू विल बी लेफ्ट विद 0.5 यूनिट्स कैंसिल हो गए. दिस साइड यू विल बी लेफ्ट विद n इनटू 0.0821 इनटू 300 मोल इनवर्स. दिस इज 1/2. फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा? 0.02. दिस इज 8.21 इंटू 3, दिस इज 24.4. मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं 24.63 आता है. 24.60 आता है. अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ. 0.0821 इंटू 300 मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल हो जाएगा. सॉल्व करेंगे तो यू गेट द आंसर एज 0.02 अप्रोक्स मोल. एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर. बेटा ये समझ में आया तुम लोगों को? ये वाले पे हम एंड करेंगे, बट ये तुमको समझा है? ओम, प्रियंका, आदित्य. ध्रुविन? हाँ सर समझा. सोहम? स्टीव? हाँ सर समझा. अच्छा मैं से पिक्चर्स खींचता हूँ. ये फोर था, तुम लोग जा सकते हो. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. टेक केयर सर. और एक एग्जाम का तो बोलो ना, करते कल देता हूँ बेटा. सर ओके सर. सर जे टाइप्स ना, जे टाइप्स चाहिए ना? हाँ सर चलेगा. कल देता हूँ सर. हाँ कोई सर बोल रहा था, बोलो ना बेटा. हाँ सर आप इसका सब नोट्स भेजने वाले हो, लाइक वो सब फॉर्मूलाज? और मैं पिक्चर भी सेंड करूंगा. आई विल सेंड यू द पीडीएफ आल्सो, बट पीडीएफ आई विल सेंड टुमारो. ओके सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय.